हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि केवल रेलवे से संबंधित ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न होंगे। ये आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, खास करके NTPC और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग PDF के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबा के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सही टाइम से मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण तट रेलवे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रहित क्रॉसिंग मुक्त रेलवे जोन कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण रेलवे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मधुमक्खी ध्वनि प्रणाली योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेल की पटरियों से हाथियों की रक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध और अंबेडकर से जुड़े स्थलों के लिए कौन सी ट्रेन की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समानता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। पहले 17 था, अभी जो नया बना है उसको लगा के कुल 18 जो है नया रेलवे जोन हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेल कनेक्ट ऐप को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। रेल कनेक्ट ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कार्नोट पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। रेल मंत्री पीयूष गोयल को कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की आरंभ की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 दिसंबर को रायबरेली उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोच को हरी झंडी दिखाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 900 में कोच को प्रधानमंत्री ने रायबरेली में हरी झंडी दिखाई, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में रेल कोच रिफर्बिश फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में रेल कोच रिफर्बिश फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 17वें गणतंत्र दिवस में भारतीय रेलवे की झांकी का थीम क्या था? इसका थीम था मोहन से महात्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुरंग के भीतर देश का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के केलांग में जो है सुरंग के भीतर देश का पहला रेलवे स्टेशन बना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है रख दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेल मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार 2 अक्टूबर को मिला था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता ही सेवा। नेक्स्ट है, A1 स्टेशन श्रेणी में स्वच्छ रेलवे स्टेशन में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर रेलवे स्टेशन A1 स्टेशन श्रेणी में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। A1 स्टेशन श्रेणी में स्वच्छ रेलवे स्टेशन में सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मथुरा रेलवे स्टेशन A1 स्टेशन श्रेणी में सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट उत्कृष्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल द्वारा प्रोजेक्ट उत्कृष्ट योजना की शुरुआत की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश की सबसे स्वच्छ रेलगाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शताब्दी। और उस ट्रेन का नाम है पुणे सिकंदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस, जो देश की सबसे स्वच्छ रेलगाड़ी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 100% सोलर से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 100% सोलर से चलने वाला रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल कहाँ बना है? इसका सही आंसर है आसाम। आसाम में जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बनाया गया, जिसको हम लोग बोगीबील ब्रिज बोलते हैं, उसको हम लोग अटल सेतु भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अंतरिम बजट 2019 में रेलवे के लिए कितना राशि आवंटित किया गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।